नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोजीशन की जो किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन की तरह होता है, कंपनी सेक्रेटरी। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ एक डिग्री नहीं है बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी होती है। कई बार हम कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है ये नहीं जानते। यह वीडियो उन सब के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिर कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है और कंपनी की सक्सेस में उसका क्या रोल होता है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम कंपनी सेक्रेटरी के इम्पोर्टेंट कामों को समझें और जानें कि कैसे यह पोजीशन कंपनी के लीगल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं को मजबूत बनाता है। कंपनी सेक्रेटरी का सबसे पहला और जरूरी काम होता है कंपनी को लीगली सही रखना। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं, वैसे ही कंपनी चलाने के लिए भी कई रूल्स और लॉज होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी ये देखता है कि कंपनी सभी लॉज, रूल्स और गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं। यह काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वॉचमैन अपनी ड्यूटी के दौरान हमेशा अलर्ट रहता है। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के आयोजन में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। वह मीटिंग का एजेंडा बनाता है, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और मीटिंग में क्या बात हुई उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डायरेक्टर फिल्म शूटिंग के दौरान सभी एक्टर्स और टेक्नीशियंस को साथ लेकर चलता है। कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स का भी ख्याल रखता है। वह उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स और दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स की जानकारी देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पुलिसमैन पब्लिक की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। चैप्टर 4, दस्तावेजों का संरक्षक। यादें जो रहें, सुरक्षित कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह कंपनी सेक्रेटरी के पास सेफ रहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लाइब्रेरियन बुक्स का ध्यान रखता है और उन्हें सेफ रखता है। चैप्टर 5, सरकारी विभागों से संपर्क सेतु का काम कंपनी सेक्रेटरी सीबी, कंपनी रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कंपनी का कांटेक्ट बनाए रखता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एम्बेसडर दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखता है। चैप्टर 6, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नैतिकता का आईना कंपनी सेक्रेटरी। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने सभी कामों में एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स फॉलो करे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स फॉलो करना सिखाता है। चैप्टर 7, विलय और अधिग्रहण, नए आयाम, नई शुरुआत। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का मर्जर या एक्विजिशन करती है तो कंपनी सेक्रेटरी इस पूरी प्रक्रिया में लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चैप्टर 8, बोर्ड का मार्गदर्शक सलाह, जो दिखाए सही रास्ता। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लीगल और स्टैट्यूटरी मैटर्स पर एडवाइस देता है ताकि वे कंपनी के हित में सही डिसीजंस ले सकें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गुरु अपने शिष्यों को जिंदगी में सही रास्ता दिखाता है। चैप्टर 9, वित्तीय रिपोर्टिंग, पारदर्शिता की मिसाल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना और समय पर उनका खुलासा करना भी कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जर्नलिस्ट अपने रीडर्स को सही और अनबायस्ड जानकारी देता है। ओथ्रो कंपनी सचिव, सफलता का आधार। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कंपनी सेक्रेटरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। यह सिर्फ एक डिग्री नहीं है बल्कि कंपनी की सक्सेस का आधार है।
अगर आपको लॉ, फाइनेंस और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है और चैलेंजेस से भरा करियर चाहते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी बनना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जानने में हेल्पफुल होगा। नमस्कार।